लोकसभा चुनाव के लिए सातवें और अंतिम चरण में 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। चंडीगढ़ के अलावा पंजाब की सभी 13 सीटों और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6 सीट और झारखंड की 3 सीटों पर 1 जून को मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि 1 जून ही ओडिशा की शेष 42 विधानसभा सीटों और हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए वोटिंग भी की जा रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई जो शाम 6:30 बजे तक चलेगी। इस चरण में चुनावी मैदान में कुल 904 उम्मीदवारों में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद रवि किशन, पवन सिंह, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और अभिनेत्री कंगना रनौत भी शामिल है। इस चरण में लगभग 5.24 करोड़ पुरुष, 4.82 करोड़ महिलाएं और 3,574 थर्ड जेंडर मतदाता सहित 10.6 करोड़ से अधिक नागरिक मतदान करने के पात्र हैं। मतदान के साथ ही 19 अप्रैल से शुरू हुई मैराथन मतदान प्रक्रिया का समापन हो जाएगा। इस प्रक्रिया में 6 चरणों में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 486 लोकसभा सीटों पर पिछले 6 चरणों में मतदान हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभाओं के लिए भी मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में सातवें चरण में 11 जिलों की 13 जिलों पर मतदान होगा। जिन संसदीय सीटों पर मतदान होगा वे हैं महाराजगंज, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बासगांव, घोसी और रॉबर्ट्सगंज। उत्तर प्रदेश में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के घटक दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं तो कांग्रेस के अजय राय उनसे मुकाबला है। चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, महाराजगंज से पंकज चौधरी और मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल चुनाव मैदान में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर बलिया और दिवंगत मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। दक्षिण बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर शनिवार को मतदान है। ये सीटें पारंपरिक रूप से टीएमसी का गढ़ है। इस चरण में टीएमसी के वर्चस्व की परीक्षा होगी। सातवें चरण में जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, दमदम, बरासात, बाशीरहाट, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर में मतदान होगा। इन सीटों पर 2019 के चुनाव में टीएमसी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कुछ नहीं कहा जा सकता। बशीरहाट लोकसभा सीट के अधीन संदेश खाली इस साल महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न को लेकर सुर्खियों में रहा था। भाजपा ने टीएमसी के दिग्गज हाजी नूरुल इस्लाम को मैदान में उतारा है तो बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं माकपा ने पूर्व विधायक निरपदा सरदार को उम्मीदवार बनाया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला CPI के प्रतिकूर रहमान और भाजपा के अभिजीत दास से है।